हेलो स्टूडेंट्स, टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं 2021 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले कर चुके हैं, उसके आगे हम आज करेंगे। बच्चों, जिनको कंसेप्ट समझने हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो ये चैप्टर कर चुके हैं, और डिफिकल्ट जनरल एंट्रीज करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने लिंक नीचे पेस्ट किया हुआ है। आप उस लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने कंसेप्ट समझा रखे हैं और 50 मोस्ट डिफिकल्ट जनरल एंट्रीज सॉल्व की हुई हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उन एंट्रीज से रिलेटेड है जिन एंट्रीज में बैड डेट्स के बारे में गिवन होता है। बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो कभी भी मिलने वाला नहीं है, मतलब कि आपके क्लाइंट्स, आपके डेटर्स पैसा लेके भाग गए हैं और वो बैंकरप्ट हो गए हैं, वो कभी भी पैसा नहीं देने वाले हैं। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब है लॉ ने, कानून ने जिसको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया है। तो जिस पर्सन को कानून ने, लॉ ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, आप उससे पैसा जबरदस्ती नहीं ले सकते। जितना वो आपको दे रहा है चुपचाप से ले लो और खुश हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट एंट्री है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ रुपीज 5000। 5000 रुपीज लेने थे मिस्टर मोहन से। यह है क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर मोहन से हमें लेने थे 5000 रुपीज, लेकिन बर्बाद हो गया बेचारा, उसकी दिवाली टाइम से पहले आ गई है, दिवाला हो गया उसका, और 50 पैसा इन अ रुपी दे रहा है वो। 50 पैसा इन अ रुपी का मतलब वो सिर्फ 50% दे रहा है। तो 50% 5000 का 50% यानी 2500, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड। अगर वो चेक से दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स वो अमाउंट है जो अब आपको कभी जिंदगी में मिलने वाले नहीं है। अगर वो शरीर निकला मिस्टर अमिताभ बच्चन की तरह तो हो सकता है कि बाद में पैसे दे दे, लेकिन वो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई श्योरिटी नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्रेडिट द गिवर 5000। 50 पैसा एन रुपी का मतलब होता है 50%, 40 पैसा एन रुपी का मतलब है 40%। तो बच्चों, इस एंट्री में 5000 रुपीज मिलने थे लेकिन मिले हैं हमें सिर्फ 2500। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑन द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गई हमारी 1 अप्रैल की एंट्री। इसके बाद 2 अप्रैल को लिखा है 8000 ड्यू फ्रॉम राकेश रमेश इज नॉट रिकवरेबल। अब एक और न्यूज मिली अप्रैल 2 को कि भाई मिस्टर रमेश हैं जिनसे 8000 रुपए लेने हैं, उनकी भी दिवाली टाइम से पहले आ गई है, मतलब वो भी बैंकरप्ट हो गए। तो बैंकरप्ट हो गए तो ये 8000 रुपए अब मिलने वाले नहीं है, तो टोटल मनी का लॉस हो गया है, यानी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूं बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रमेश, पूरे 8000 रुपए डूब गए हमारे, ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। अप्रैल 3 को श्याम हु ओल्ड 15000 बिकेम इंसॉल्वेंट, पेड 50% एंड 50% इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। एस्टेट का मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच के। ठीक है, जब कोई इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट की तरफ से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, एक लॉयर होता है, वो अपॉइंट किया जाता है, ऑफिशियल रिसीवर जिसको बोलते हैं, वो जाके उनकी प्रॉपर्टी, जो बैंकरप्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करवाते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उसको बांट दिया जाता है क्रेडिटर्स में प्रोपोर्शनेटली, जितने भी देनदार हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, तो उनको लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेटली पैसा दे दिया जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के 50% ही मिल पाया। मिस्टर श्याम है वो इंसान जो बर्बाद हो गए हैं, सिर्फ 7500 रुपए मिले हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड 7500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7500 टू श्याम इज द गिवर 15000।
बच्चे कह सकते हैं कि श्याम के सामने 15,000 क्यों लिखा जब तो वो दे रहा है सिर्फ 7,500। एक्चुअली हम श्याम का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 15,000 से और हमें लॉस भी दिखाना था 7,500 का, तो श्याम को क्रेडिट किया 15,000 से, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट ऑल द लॉसेस। ये था अप्रैल 3। इसके बाद 4 अप्रैल को received 10,000 in cash from Sohan for bad debts return of last year। बच्चों ये एंट्री बहुत ही अच्छी है कि मिस्टर सोहन से हमें 10,000 रुपीज मिले हैं जो लास्ट ईयर लेके भाग गए थे, आज वो शराफत में देने आ गए हैं। देखिए अगर कोई पर्सन बैंकक्रप्ट हो जाता है तो जितना पैसा मिल रहा है उस टाइम पर वो हम ले लेते हैं, उसके बाद हम उससे पैसा नहीं ले सकते लीगली। ठीक है, लीगली हम उससे मारपीट करके ले सकते हैं, मतलब उसे पकड़ लिया, गुंडों से पिटवा दिया, वो चीज अलग है। लीगली हम उससे अपना पैसा नहीं ले सकते, जितना उसकी एस्टेट प्रॉपर्टी बेच के मिल गया वो मिल गया। अब अगर वो पर्सन दोबारा से बिजनेस में आना चाहता है, दोबारा से फिर से बिजनेस करना चाहता है, तो उसको अपने रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे अपने सप्लायर्स के साथ, तो वो पैसा वापस करेगा अगर उसके पास कहीं से पैसा आ गया है। तो अगर आपको ऐसा पैसा मिल रहा है जिसको आप भूल चुके थे कि अब ये पैसा नहीं मिलने वाला, मतलब आप सोच चुके थे कि ये पैसा तो मर गया, आप कभी मिलेगा नहीं, बट ऐसा पैसा अगर मिल जाए तो उसे बैड डेट रिकवर्ड कहा जाता है। इस केस में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। पर्सन का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये पैसा एक आपके लिए इनकम बन गई है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये आपके लिए इनकम है क्योंकि आपको तो उम्मीद ही नहीं थी ये पैसा मिलेगा, अगर ऐसा मिल गया है पैसा तो ये आपके लिए इनकम है, इसलिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ओपन करेंगे और कैश अकाउंट डेबिट 10,000। पर्सन का नाम नहीं लिखना है, बच्चे यहां पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर, गिवर को क्रेडिट करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। बैड डेट रिकवर्ड एक इनकम है हमारी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की कुछ एंट्रीज मैंने पहले से सॉल्व कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कराया है तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया है और कैश डिक्रीज हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अप्रैल 3 को आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया ऑफिस के लिए, तो कैश इंक्रीज हो गया ऑफिस में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड और बैंक डिक्रीज हो गया आपका, तो एक एसेट इंक्रीज हो गई है, एक एसेट डिक्रीज हो गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद अप्रैल 7 को वेजेस की पेमेंट की है चेक से, चेक से अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर कोई एसेट जब डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 10 को हमें चेक मिला है, दीवान ने दिया है और 8,500 का चेक दिया, हमने उसे 500 का डिस्काउंट दिया है, लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500 का चेक मिला है और 500 हमने उसे डिस्काउंट दिया, तो ये हमारा लॉस है, तो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, दीवान इज द गिवर। अप्रैल 12 को टेलीफोन बिल की पेमेंट हमने चेक से की है, जब हम कोई पेमेंट चेक से करते हैं तो बैंक हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो टेलीफोन बिल हमारा एक एक्सपेंस है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे कौन सा रूल लग रहा है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। अब इसके बाद अप्रैल 14 को लिखा है दीवान्स चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। ये दीवान साहब तो बड़े स्मार्ट निकले,
चेक दिया था 8500 का और बोला था कि चेक एकदम से क्लियर हो जाएगा, 500 का डिस्काउंट भी ले लिया था हमसे जबरदस्ती, जबकि उनसे हमें लेने थे 9000। 8500 का चेक दिया था और बोला था कि चेक क्लियर हो जाएगा और 500 का हमसे डिस्काउंट भी ले लिया था, लेकिन भाई साहब तो स्मार्ट निकले, चेक बाउंस हो गया। 14th अप्रैल को चेक बाउंस हुआ है। अब आप सोचिए, आप पहले क्या एंट्री कर चुके हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, आप पहले एंट्री कर चुके हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अब आपको रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री और दीवान को वापस से 14th अप्रैल आपको दीवान को वापस से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, एक तरीके से एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो दीवान डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, वापस से आप डिस्काउंट कैंसिल करोगे, ठीक है, जब पर्सन का चेक ही क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसका डिस्काउंट भी वापस से कैंसिल करोगे और फिर से आप उससे 9000 मांगोगे। कुछ लोग तो जो बैंक चार्जेस लगते हैं डिस्काउंट डिसऑनर होने के, वो पैसे भी उस पर्सन से मांग लेते हैं जिसका चेक डिसऑनर होता है। तो 14 के बाद 16 को लिखा है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, 400 के चार्जेस बैंक ने डेबिट किए हैं हमारे अकाउंट से, मतलब बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं 16th अप्रैल को। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हमारा बैंक डिक्रीज हो गया है चार्जेस की वजह से, चार्जेस हमारे एक्सपेंस हो गए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये 16th अप्रैल को एंट्री है 400। इसके बाद 17th अप्रैल को लिखा है गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन द बैंक 8000, हमने गुड सेल किए हैं और 8000 की जो सेल प्रोसीड है उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। कुछ लोग साथ के साथ बैंक में डिपॉजिट कराते रहते हैं, अच्छी बात है, खर्च हो जाते हैं भाई, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसा आया सीधा बैंक में गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इंक्रीज हो रहा है 8000। इसके बाद 19th अप्रैल बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, अब वैसे ही जैसे टेलीफोन बिल का हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी बैंक को, वैसे ही हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बैंक हमारा खुद पे कर देता है हमारे अकाउंट से, और इसमें लिखा नहीं है कि कौन सा इंश्योरेंस है, अगर ये लाइफ इंश्योरेंस होता तो हम इसको ड्रॉइंग्स मानते हैं, बट इसमें लिखा नहीं है तो हम इसको बिजनेस का इंश्योरेंस मानेंगे, मतलब बिजनेस में जो मशीन्स वगैरह होती हैं या फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एटसेट्रा, मतलब बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिर्फ इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट, डेबिट ऑफ द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 1800, के बाद 25 को लिखा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इसको समझना होगा, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो हमें वहां से प्रॉफिट आता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो वो डिविडेंड हमारे सीधे अकाउंट में आता है या चेक्स आते हैं, लेकिन वो जमाने पुराने हो गए जब चेक्स आते थे, अब सीधा बैंक में पैसा आता है, ठीक है, तो जिस कंपनी के हमने शेयर्स परचेज किए हुए हैं वहां से जो डिविडेंड आ रहा है वो हमारे अकाउंट में आ रहा है सीधा, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन की वजह से, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट ऑल द गेन्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट या डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट 2500। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में अप्रैल 1 को पहली ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, यानी कि बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब आप करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो पैसा इनिशियल अमाउंट देते हैं वो हमारे बैंक बैलेंस में आ गया, बैंक इंक्रीज हो गया है और ऑफिस का कैश डिक्रीज हो गया है क्योंकि जब करंट अकाउंट ओपन करने गए थे तो ऑफिस का कैश लेके गए थे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 अप्रैल। नरेशंस में नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, नरेशंस में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अप्रैल 2 को लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया है। 2 अप्रैल बैंक से पैसा निकाला गया है तो कैश इंक्रीज हो गया ऑफिस का, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक डिक्रीज हो गया है, बैंक बैलेंस 5000। ठीक है, ऑफिस में कैश इंक्रीज हो गया है और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया है क्योंकि बैंक से पैसा निकाला गया है। फिर लिखा हुआ है रिसीव द चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स फॉर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। 12,000 हमें मिलने हैं और हमने उसे 1% का डिस्काउंट भी दिया है, 12,000 की सेल की थी हमने उसको। तो 5 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल, सॉरी टू रमेश। सेल हम पहले कर चुके हैं, पैसे वो आप दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। 12,000 देने थे रमेश को लेकिन कहता है कि मुझे डिस्काउंट दे दो, तो हमने 120 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ऑलरेडी लेट कर दिया उसे, पहले हमने उसे क्रेडिट पे सेल किया था। ठीक है, क्रेडिट पे हम सेल कर चुके हैं उसको, पहले ही लेट कर दिया, फिर डिस्काउंट मांग रहा है तो हमने कहा चल ले, चिल्लड़ 1% डिस्काउंट दे दिया उसको हमने, 12,000 का 1% 120, तो 11,880। ये हो गई हमारी अप्रैल 5 की एंट्री। अप्रैल 7 को लिखा है रमेश का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कोई चेक मिलता है तो थोड़ा सा एक दो ट्रांजैक्शन आगे भी पढ़ लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं करा है बाद में डिपॉजिट करा है। तो इस क्वेश्चन में यही हुआ है कि अप्रैल 5 को जो चेक मिला है उसको हमने बाद में डिपॉजिट करा है, तो हम इसको चेक इन हैंड लिखेंगे। जब हम चेक को डिपॉजिट नहीं कराते हैं, जब हम चेक को डिपॉजिट नहीं कराते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, सेम डे डिपॉजिट अगर हम नहीं कराते हैं, इस बात का हमें पता चल जाए कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ था, तो हमें चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना पड़ता है और जिस दिन हम उस चेक को डिपॉजिट कराते हैं उस दिन हम बैंक अकाउंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चेक डिपॉजिट कराया है अप्रैल 7 को, टाइम नहीं मिला, 7 अप्रैल को टाइम मिला तो हमने 7 अप्रैल को वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, अब समझ में आया, हमने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर दिया जब हमें चेक मिला और जिस दिन हमने वो चेक डिपॉजिट कराया उस दिन हमने उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। जब भी हम कोई टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं तो जो हम डेबिट करके अगर हमने ओपन किया तो क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, क्रेडिट करके ओपन किया तो डेबिट करके क्लोज करेंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करके ओपन किया था तो जब वो पर्पस पूरा हो गया तो हमने उसे क्रेडिट करके नलीफाई कर दिया। नाइन्थ को रमेश का चेक डिसऑनर हो गया और 20 रुपीज चार्जेस भी लग गए। देखिए क्या हुआ, इस इंसान ने डिस्काउंट मांगा था हमसे और उसके बाद भी इसने अपना चेक डिसऑनर करवा दिया, तो
अब डिसऑनर जब हुआ है तो हम रिवर्स एंट्री करेंगे, ठीक है, बैंक को हम डेबिट कर चुके हैं, अब वापस से बैंक को क्रेडिट करेंगे और रमेश को वापस से डेबिट करेंगे, तो रमेश डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कैंसिल करेंगे 120 का और बैंक ने हमसे चार्जेस ले लिए हैं इसके 20 रुपीज, वो 20 रुपीज भी हम रमेश से ही लेंगे। यही प्रैक्टिस होती है बिजनेस की कि अगर किसी का चेक डिसऑनर होता है और उसके चेक डिसऑनर की वजह से कुछ चार्जेस लग गए हैं तो वो चार्जेस हम उसी पर्सन से लेते हैं जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है हमारा, तो रमेश की वजह से ये 20 रुपीज का लॉस हुआ है, वो 20 रुपीज भी हम रमेश से ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 11,900, ठीक है, 11,880 में अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो 900 हो जाएगा 11,900 और ये टोटल अमाउंट बन गया 12,020। इतने पैसे हमें रमेश से लेने हैं और ये एंट्री है अप्रैल 9 को, तो इसको पहले नोट कर लीजिए फिर हम और आगे करते हैं। अब इसके बाद लिखा है अप्रैल 20 को रमेश को हमने बहुत जलील किया कि भाई तुमने डिस्काउंट मांगा था, इतना लेट पेमेंट कर रहे थे, डिस्काउंट मांगा हमने, डिस्काउंट भी दिया 1% का, उसके बाद चेक डिसऑनर करवा दिया तुमने, तो बेचारा थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा अप्रैल 20 को कि ठीक है मैं आपको 12,080 का चेक दे रहा हूँ, ठीक है, और 60 रुपीज में इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 12,020 हमें चाहिए थे उससे और 60 रुपीज वो इंटरेस्ट भी दे रहा है। अच्छा, ये लिखा नहीं है कि ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया है कि नहीं किया, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेम डे डिपॉजिट है, ठीक है, हमेशा आगे पढ़ना चाहिए कि आगे कुछ लिखा तो नहीं है उसके बारे में, अगर कुछ लिखा नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेम डे डिपॉजिट है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको अलग से मिला हो आप उसकी एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट कर सकते हो क्योंकि वो आपकी इनकम है और 12,020 तो हमें उससे लेने ही थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 12,080 से, रमेश से हमें 12,020 तो लेने थे और इंटरेस्ट भी मिल गया है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल द गेन्स। ये हो गई अप्रैल 20 की एंट्री। अब अप्रैल 21 को कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट, राजा हमारा एक कस्टमर है, उसने हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए 21 को, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर 8,000। अप्रैल 23 को बैंक ड्राफ्ट गॉट इश्यूड इन फेवर ऑफ मेसेस लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस 700, हमने एक ड्राफ्ट बनवाया है मैसेज लाल एंड सन्स के फेवर में अप्रैल 23 को, मैसेज लाल एंड सन्स डेबिटेड 5,000, बैंक चार्जेस लग गए हमारे उसमें, सेवन हंड्रेड, इतने ज्यादा चार्जेस नहीं होते जितने इसमें लिखे हैं, टू बैंक अकाउंट क्योंकि सारा पैसा बैंक से गया है, 5,700, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट चेक की तरह ही होता है, बस ये है कि ड्राफ्ट में कभी बाउंस नहीं होता है, तो मैसर्स लाल एंड सन्स को 5,000 मिले हैं और 700 हमें चार्जेस देने हैं, तो डेबिट ऑफ द लॉसेज, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑफ द लॉस एंड एक्सपेंसिस,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारा बैंक डिक्रीज हो गया 5700 से। इसके बाद अप्रैल 28 को अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर वन मंथ डिस्काउंट फ्रॉम बैंक फॉर 3800। बैंक से हमने अपना एक बिल डिस्काउंट करवाया है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करेंगे तब आपको लॉजिक भी समझ में आएगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते क्या है। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक बिल है जिस पे लिखा हुआ है 4000 रुपीज, इस क्वेश्चन में लिखा है 4000 रुपीज। ये एक टोकन की तरह होता है या कूपन की तरह होता है, जो कूपन लेके जाता है उसको पैसे मिल जाएंगे, सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कूपन आप बैंक को दे सकते हो और बैंक को बोलो कि आप ले लेना वन मंथ के बाद उस पर्सन से, आप हमें एडवांस में दे दो। तो बैंक कहता है कि ठीक है हमें 200 रुपये कमीशन दे दो, चार्जेस दे दो, हम कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आपका जो कूपन है वो 1000 वन मंथ के बाद मिलना है पैसा, और आपको अभी चाहिए तो हम आपको एडवांस में दे रहे हैं 3800, 200 रुपये हमें कमाने दो, ठीक है। तो बैंक ने वो कूपन रख लिया अपने पास, तो कूपन नहीं बोलते हैं हम उसे, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो वो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिल को डिस्काउंट कराना। क्या बोलते हैं? बिल को डिस्काउंट कराना। तो अप्रैल 28 को बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 3800 से, 200 रुपये हमारा डिस्काउंट चला गया। कमीशन को डिस्काउंट लिखते हैं बेसिकली, बैंक जो कमीशन लेता है हमसे उसको डिस्काउंट कहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख सकते हो, बट BR लिखो, आगे चल के समझ में आएगा जब ये चैप्टर करेंगे हम। 4000 का बिल हमारा चला गया। BR एक एसेट होती है, तो BR हमारा गोज आउट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट हमारा लॉस है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक एसेट हमारी डिक्रीज हो गई, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 30, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, अप्रैल 30 को लिखा है कि 1000 का चेक शाम से मिला है बैंकिंग आवर्स के बाद में, 2500 आगे भी लिखा हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है। ये 2021 में कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये वाली ट्रांजैक्शन कुछ और थी लास्ट ईयर की बुक में, इस बार चेंज किया है तो वो मिसप्रिंटिंग हुई है। शाम से 1000 का चेक मिला है बैंकिंग आवर्स के बाद में, तो बैंकिंग आवर्स के बाद में मिला तो इसका मतलब सेम डे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम, अप्रैल 30 चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू श्याम 1000, या जो भी अमाउंट है। अगर 2500 आपके स्कूल में कहते हैं कि 25 वाला लो तो 25 ले लो, 1000 बोलते हैं क्योंकि दो अमाउंट गलती से प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश 7000 एंड हाफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। आपने जो सेल किया उसका हाफ अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो बहुत सिंपल है, अप्रैल 30 बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, जितना आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया वो बैंक में आ जाएगा, जितना कैश मिला है वो कैश में आ जाएगा, सिंपल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 7000 की सेल है और 3500 बैंक में गया, 3500 कैश मिला है। इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए है। आपको एक बात समझनी होगी, जो आपने अकाउंट्स में रूल्स सीखे हैं जर्नल्स के लिए, उन रूल्स के अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखना है जर्नल एंट्रीज करने के लिए। अगर आपने गोल्डन रूल सीख लिए, ये मॉडर्न अप्रोच सीख ली, तो और आप सोचें कि जर्नल एंट्रीज आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी अलग से भी बातें सीखनी पड़ेंगी जर्नल एंट्रीज के लिए। तो उनमें से एक बात है गुड्स से रिलेटेड, वो ये कि अगर आपके बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं अदर देन सेल्स,
सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा, सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा अगर आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं तो आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। मतलब ये कि हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमने गुड्स परचेज करके रखे थे और वो कम हो गए, तो वो क्या क्या ओकेजन्स हैं, वो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें गुड्स हमारा जा रहा है सेल के अलावा या परचेज रिटर्न के अलावा, क्योंकि माइंड में आता है कि गुड्स इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसे गुड्स बनते हैं जो टॉयज हैं, तो आपके बच्चे तो टॉयज बाहर से खरीदेंगे नहीं, हर 5-6 दिन में आपको बोलेंगे कि टॉयज ले आना पापा, वो पहले वाला टूट गया। तो अगर आपकी टॉयज की फैक्ट्री है तो टॉयज आपके गुड्स हैं, घर में बच्चे टॉयज मंगा सकते हैं, तो टॉयज जो हैं वो गुड्स हैं और आपके घर में जा रहे हैं, तो ना वो सेल हुए ना वो परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्रॉइंग्स हो सकती है गुड्स की। इसके अलावा लॉस बाय फायर, थेफ्ट, चोरी हो सकते हैं, ठीक है। चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में आपने गुड्स ही दे दिए, कोई मांगने वाला आ गया आपके पास पैसे नहीं थे, आपने गुड्स उठा के दे दिए, ठीक है, चैरिटी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ड्रॉइंग्स हो गया। इसके अलावा गुड्स यूज्ड इन मेकिंग एनी एसेट, कोई एसेट बना रहे थे, उस एसेट को बनाने में आपके गुड्स लग गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई मशीन बना रहे थे जिसमें एक मोटर लगनी है और आपके गुड्स हैं मोटर, तो वो जो मोटर आपके गुड्स हैं वो यूज हो गई उस मशीन में, तो उस केस में भी गुड्स जा सकते हैं आपके, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए गुड्स दिए हैं लोगों को यूज करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, जहां पे ड्रॉइंग्स हो गए गुड्स घर ले गए आप, गुड्स आग से जल गए हैं, चोरी हो गए गुड्स, आपने दान दे दिए गुड्स, आपने मशीन बनाने में यूज कर लिए गुड्स, आपने सैंपल की तरह बांट दिए गुड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। याद रखना है कि गुड्स अगर सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर से बोल देता हूं मैं कि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं बाहर लेकिन वो सेल्स नहीं है, वो परचेज रिटर्न नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, चोरी हो गए, आग लग गई है, चैरिटी दे दिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल की तरह, या घर में ले गए, आप परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर 1000 फॉर पर्सनल यूज, 1000 के गुड्स ड्रॉइंग्स कर लिए हैं, ड्रॉइंग्स एक लॉस है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गुड्स घर ले गया है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का कुछ भी सामान कैश अगर बिजनेसमैन घर ले जाता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। अप्रैल 2nd को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अप्रैल 2nd एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है ये, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, अपने गुड्स का छोटे छोटे सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, लोगों को यूज करने के लिए दो, यूज करो फिर खरीदो, तो अगर अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट में विश्वास है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो ऐसा कर सकते हो आप, ये एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ये एक तरीके से एक्सपेंस हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट पे, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500।
इसके बाद अप्रैल 3 को गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी भी एक एक्सपेंस है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 300। अप्रैल 4 को टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, अज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट, ठीक है, फर्म टिम्बर मर्चेंट है और उसने अपने टिम्बर फर्नीचर बनाने में यूज किए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि गुड्स यूज हो गए फर्नीचर बनाने में, बिजनेस में फर्नीचर बन के तैयार हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस में क्या आया फर्नीचर, लेकिन उसके लिए चला गया हमारे गुड्स, हमारे गुड्स चले गए फर्नीचर बनाने में, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 5000 के टिम्बर्स हमारे गुड्स थे, ठीक है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो आपके गुड्स होते हैं, टिम्बर का बिजनेस है तो टिम्बर आपके गुड्स हैं, टिम्बर चले गए परचेज अकाउंट क्रेडिट और फर्नीचर बन के तैयार हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 3500। अप्रैल 6 को लिखा है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो ये एंट्री आप खुद कर सकते हैं, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट, जगह नहीं है मैं यहां लिख देता हूं, लॉस इन ट्रांजिट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आपने रूल सीखे थे जर्नल एंट्रीज के, उन रूल्स के अलावा आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जर्नल एंट्रीज, अगर आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन आपका ठीक हो, तो अब हम सीखेंगे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। वो क्या कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, चाहे वो मशीन न्यू है या ओल्ड। ये बात ध्यान से सुन लें, आप कोई मशीन या फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं चाहे वो न्यू है या ओल्ड, उस टाइम पर जितने भी एक्सपेंस उस मशीन को परचेज करते वक्त जितने भी एक्सपेंस आप करेंगे, जैसे मशीन को लाना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मशीन को इंस्टॉल कराना, उसमें अगर वायरिंग वगैरह कुछ हो रही है वो सब कुछ, इरेक्शन इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप एक मशीन कन्याकुमारी से परचेज करते हैं सिर्फ 1000 रुपये की, लेकिन वो 1000 रुपये की मशीन दिल्ली तक लाने में आपको 20,000 रुपये ट्रांसपोर्ट लग जाता है, तो क्या आप उस मशीन को 1000 का सेल करेंगे? मतलब ही नहीं होता। 1000 की मशीन है जो कन्याकुमारी से आपने परचेज की थी, 20,000 ट्रांसपोर्ट में खर्च हो गया, तो 21,000 में अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही आप उस मशीन को सेल करेंगे। या अगर आपको किसी को बताना है कि वो मशीन आपको कितने की पड़ी है, तो आप 21,000 बताएंगे, ना कि 1000, है ना। कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं करेगा कि 1000 की मशीन पड़ी है ना। तो यही है फिक्स्ड एसेट का रूल कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो उस परचेज करते वक्त चाहे वो मशीन पुरानी है या नई है, जितने भी आप एक्सपेंस करेंगे वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। आपने पुरानी मशीन परचेज की है, आपने उसको चमकाया, उसकी ओवरहॉलिंग कराई, उस पर पेंट करवाया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आप सब कुछ ऐड करेंगे उसमें, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने मशीन को चाहे आपने नई मशीन परचेज की है पुरानी मशीन परचेज की है, अगर आपने रिपेयर कराया तब भी आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे,
आपने ओवरहॉलिंग कराई है तब भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करी है तब भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, और अगर आपने उसको इंस्टॉल कराया है तब भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, ठीक है। परचेज करेंगे तब भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर कराएंगे उसको तो भी रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर इंस्टॉल कराएंगे तो भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेड रिपेयरिंग चार्जेज ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स, एग्जिस्टिंग मशीन पे रिपेयर पे किया है, ये परचेज नहीं किया है तो रिपेयर ही लिखेंगे। तो रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन है आपने परचेज नहीं किया है, ठीक है। अगर आप परचेज करेंगे चाहे वो मशीन न्यू है या ओल्ड, उस केस में आप रिपेयर नहीं लिखेंगे, उस केस में आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिखेंगे। अप्रैल 2nd को परचेज ए न्यू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी कोई एंट्री है, इतनी इजी एंट्री, 42,500। इसके बाद अप्रैल 3, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। अब देखो, परचेज करते वक्त आपने फ्रेट एंड कैरेज पे किया है 2,500, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि एट द टाइम ऑफ परचेज वेदर इट इज अ न्यू मशीन और ओल्ड, ऑल रेलेवेंट एक्सपेंसेस विल बी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 2,500। अप्रैल 4 को पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी 5,000, तब भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, क्योंकि आपने मशीन परचेज की है उस पर आप इंस्टॉलेशन पे कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अप्रैल 5 को परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, तब भी आप चाहे न्यू है या ओल्ड है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिखेंगे। और अप्रैल 6 को पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द अबव मशीन, इस वाली मशीन पे रिपेयरिंग चार्जेस पे करें आपने नेक्स्ट डेट पे, अगर सेम डेट होती तो हम इसमें अमाउंट ऐड कर देते। अप्रैल 6 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर सेम डेट होती तो हम एक ही एंट्री कर देते, मशीनरी टू कैश रिपेयरिंग नहीं लिखना, 2,500। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9।